टाइम का जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पूरा दिन बिजी फील कर सकते हैं और एट द एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है अगर वो नहीं होगा तो पूरे दिन बिजी रहेंगे भी, इफेक्टिवली आप कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस यस, बुक्स पे मैं लाइव आऊंगा जल्दी, बहुत ही जल्दी हम एक सेशन करेंगे जिसमें जो बुक्स हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और स्पेशली उन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो हमें पढ़ लेने चाहिए, उन पे हम बहुत जल्दी डिसीजन पे आएंगे, ठीक है। तो आपका जो टाइम टेबल है उसको आप लोग फॉलो करते रहिए, जो आप लोगों को बताया जाता है कि भाई ये क्लासेस आपकी होंगी, जो भी क्लासेस हैं। देखो मैं भी जानता हूँ कई बार ये हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा कि इतनी सारी क्लासेस अटेंड करना, ये सब इतना आसान भी नहीं है, राइट। तो आप लोग बस से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जैसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और आप लोग मेहनत इसी करते रहिए, बस टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, ठीक है। और टाइम मैनेज करने का तरीका है थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना, ठीक है। मैं अपने टाइम की जो बात करूँगा तो मैं हमेशा, वैसे आज तो मैं लेट उठ जाता हूँ या सुबह नहीं जल्दी उठता हूँ, लेकिन इन स्टूडेंट्स लाइफ जब जब जरूरत थी, सुबह 5 बजे जरूरत हो या 6 बजे जरूरत है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली कभी नींद को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अपनी नींद को कभी प्रायोरिटी मत दीजिए बेटा, ठीक है। वो कोई प्रायोरिटी नहीं, वो सिर्फ उतनी लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है। और ये वक्त है आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ, 1 साल 2 साल जितना भी है, ठीक है। क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, 11th क्लास में कभी नंबर कम आ गए तो वो बातें 4 दिन रही हमारे दिमाग में, 5 दिन रही रिजल्ट, लेकिन अगली क्लास में आए फिर हम वही मस्ती करने लगे। लेकिन आप आज ग्रेजुएशन में, राइट, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। अब अगर आप इस सेशन को क्लियर नहीं करते हैं तो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आने लगी, आपको ऐसा लगेगा कि लोग जिंदगी में हमसे आगे निकल गए हैं और फिर उनको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को बस यही बताना है आज की क्लास में कि बेटा प्लीज अपना एक टाइम टेबल बना के रखिए। टाइम टेबल टू द पॉइंट होने का मतलब ये नहीं होता कि 11:30 है तो 11:30 ही कर दिया उस काम काम को। मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ, मतलब कि मैं काम के हिसाब से टाइम टेबल बनाता हूँ, आज मुझे ये काम करने हैं, दैट्स इट। उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइम का आइडिया रखता हूँ अपने पास, ये इतनी देर में हो जाएगा और फिर उसको हम ऐसे कर लेंगे। ऐसा कोई रिटर्न में नहीं है मेरे पास कि भाई इतने बजे उठना ही है और इतने बजे ये करना ही है, क्योंकि हम भी जानते हैं हम अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते। अगर मुझे सुबह लग रहा है कि यार अभी तो नींद आ रही है और मेरा उस टाइम टाइम टेबल में लिखा है उठ के पढ़ना है अभी 10 मिनट या 1 घंटा, तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो ना अपनी बॉडी के साथ ज्यादा ना फोर्स मत किया ब्रो, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक एक्सरसाइज, ठीक